कितना अच्छा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज के वीडियो को लेकर के मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अंडररेटेड है, बल्कि मैं कहूँगा कि हिडन जेम टाइप परफ्यूम है। इसका नाम है फ्रैंक ओलिविए का ब्लू टच, इसका नाम है। बात करेंगे इसके स्मेल के बारे में, कैसा परफॉर्म करता है, इसे कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं, बल्कि ये भी बात करेंगे कि इंडिया में इसके दाम के हिसाब से इसको ख़रीदना एक सही ऑप्शन है कि नहीं। वैसे पहले मैं इसका बॉक्स दिखा दूँ आपको। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, तो प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करें, ताकि YouTube थोड़ा रिकमेंड करे और ये कम्युनिटी और बड़ी बने। तो देखिए, बॉक्स शाइनी सा बॉक्स है, ओके बॉक्स है। फ्रंट में फ्रैंक ओलिविए ब्लू टच एक ट्री जैसा है, इनका लोगो EDT है और द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है। साइड में ब्लैंक है, पीछे टेक्स्ट है हल्का सा, इंग्रेडिएंट भी लिखे हैं यहाँ पे नीचे, अगर आपको दिखे तो। नीचे बैच कोड और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ऊपर FO फ्रैंक ओलिविए का लोगो। अगर आप इसको खोलेंगे तो हल्का सा आपको यहाँ महसूस होगा कि ये इम्बॉस्ड है इसके बॉक्स पे। अंदर से ब्लैक कार्टन, ओवरऑल डिसेंट सी बॉक्स, मुझे कोई शिकायत नहीं है बॉक्स से, ठीक बॉक्स है, शाइनी सी बॉक्स है। वैसे मैंने मेरे पास इसका एक ब्लैक टच करके भी नाम है। ये देखिए, ये अभी तक सील्ड पड़ा है मेरे पास, जबकि दो महीने से मैंने इसको ख़रीद लिया था, दो महीने से है मेरे पास। मैं नॉर्मली जल्दी नहीं खोलता, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक से दो हफ्ते किसी परफ्यूम को यूज़ करूँ, मैं अपने नोज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। तो अभी मेरे पास करीब 7-8 परफ्यूम ऐसे होंगे जो कि सील्ड है, तो आगे चल के इसको खोलूँगा, बात करूंगा अच्छा है कैसा है, रिव्यू बनाएंगे पूरा उसका भी। अब चलिए बॉटल दिखा दूं मैं जल्दी से आपको। बॉटल काफ़ी अच्छी सी है, और एक चीज़ बता दूं, इसके ब्लू कलर को देख करके आप ये मत सोचिएगा कि ये ब्लू परफ्यूम है। यहाँ पे साइड में देखिए ब्लू टच लिखा है, यहाँ पे फ्रैंक ओलिविए पेरिस लिखा है, और EDT लिखा है, ये EDT कॉन्सेंट्रेशन है। ओवरऑल बॉटल ग्लास की, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक हल्का सा कैसा इसे बनाया गया है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी विंडो को आपने थोड़ी सी खोल के छोड़ दी है। और कैप प्लास्टिक है, इसकी कैप के ऊपर भी फ्रैंक ओलिविए पेरिस लिखा है। ये जो परफ्यूम की कंपनी है, देखिए ये डिज़ाइनर हैं फ्रैंक ओलिविए, पेरिस के हैं, फ्रांस के। ये कोशिश कर रहे हैं शायद मिड रेंज में अच्छे क्लोन बनाने की। अब ये जो परफ्यूम है, ये है क्लोन जॉर्जियो अरमानी के एक्वाडीजियो का। वैसे इसका पहले मैं आपको कैप दिखा दूं। कैप देखिए ऐसा सा है, प्लास्टिक का कैप है। पहली बार जब इसको खोल रहा था तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, तो शायद आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे काफ़ी कस के इसको खींचना पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर ये स्नगल अच्छा है, इसको कैप से पकड़ सकते हैं आप। ओवरऑल अच्छी बॉटल। इसके बॉटल के बी रोल को आप देखिए, एंजॉय करिए। तो अब चलिए मैं इसका एडमाइज़र दिखा दूँ। बहुत 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 ख़ास नहीं है एडमाइज़र, ठीक ठाक एडमाइज़र है। देखिए ये स्प्रे करके दिखा दूँ, ठीक है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा ओपनिंग। नोट्स मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। इसके नोट्स में जो आपको याद रखना है वो है लेमन, बर्गमॉ का भी एक कॉम्बिनेशन है इसमें। जिस तरीके से यूज़ किया गया है मेलन को, आपके इसमें कुछ वुडी ग्रीन नोट्स भी हैं, मस्क भी है, इसमें पिंक पेपर भी है, बहुत ही अंडरटोन है, मतलब हल्का सा टच है, मतलब ब्लू टच है। अब बात करें कि ये जो जॉर्जियो अरमानी का जो एक्वाडीजियो है, ये बहुत ही अच्छा क्लोन है। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास बॉटल थी पेरी एलिस के 360 जो परफ्यूम है रेड, उसकी भी बॉटल थी। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये कहूँगा मैं इसको ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि ये थोड़ा टोन डाउन है स्पाइसेस के मामले में।
मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे रैंक करना हो तो स्पाइसेस के मामले में ये सबसे नीचे होगा, बीच में एक्वादीजी होगा और ऊपर होगा पेरियलिस 360 रेड। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर या फिर पिंक पेपर ज़्यादा लगता है, थोड़ा स्पाइसी लगता है, ये ज़्यादा वाटरी है, इसमें वाटरी नोट्स भी हैं थोड़े। तो ब्लू कलर डिफाइन कर रहा है एक बहुत ही अक्वाटिक, एक बहुत ही जेंटलमैन टाइप स्मेल के को मैं कहूँ तो। देखिए इसका जो दाम है, मैं आज देख रहा था तो इसका दाम है करीब 2600 का, ये फ्लिपकार्ट पे है, ये शोड है, तो मुझे लगता है कि 2600 के हिसाब से बहुत ही अच्छा ये परफ्यूम है। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास एक्वादीजियो है, एक्वादीजियो को और भी लाइन है परफ्यूमो और उसके काफ़ी और भी फ्लैंकर्स हैं, सभी हैं, लेकिन अगर मुझे ओरिजिनल क्लासिक का एक्सपीरियंस लेना हो तो मैं इसको स्प्रे करूँगा, इवन इसको मैं लेयर करूँगा। जिस तरीके से ये स्मेल करता है बहुत क्लोज है, बहुत ही अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन कहीं से भी सस्ता नहीं स्मेल करता। तो अगर आप 2600 और 2000, वैसे मैं देख रहा था तो कभी कभी ये आपको 2100, 2200, 2300 तक में मिल सकता है, तो आप इसको देखते रहिए। अगर आप 2600 में 100 ml ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप ख़रीद सकते हैं इसको। देखिए नीचे इसके ये है इंफॉर्मेशन, शायद मैं दिखाना भूल गया था आपको ऐसा। तो अब मैं कहूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मुझे इसका अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, मुझे ईजिली 6 से 7 घंटे स्किन पे ये मुझे प्रोजेक्शन मिलता है, सॉरी लॉन्जिविटी मिलती है। और प्रोजेक्शन इसका मैं कहूँगा 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि ये देखिए एक वाटरी थोड़ा फ्रेश एयरी टाइप परफ्यूम है, तो होता क्या है कि प्रोजेक्शन उसके बाद ये थोड़ा क्लोजली स्किन हो जाता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप चाहें तो इसका डीकैन रख सकते हैं अपने बैग में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप काम पे जा रहे हैं, सुबह आपने लगाया है, ये आपके शिफ्ट भर रहेगा। इवन ये लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेल और सियाज है वो अब एवरेज है। मैं कहूँ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि इवन अगर ये क्लोज टू स्किन या फिर मैं कहूँ आर्म लेंथ जो इसका एक बबल बनता है करीब 3 घंटे बाद, वो ऐसा है कि आप मूव करेंगे, आपके पास कोई आएगा, ज़रूर उनको महसूस होगा कि आपने कोई अच्छा परफ्यूम लगाया, और ख़ासकर मैं सच बोलूँ उनको ये लगेगा आपने एक्वादीजियो लगाया है, क्योंकि ये इतना सिमिलर है। बस ऐसा है, अब देखिए बात क्या है कि जो स्पाइस का नोट मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कम स्पाइसी है, ये तभी है जब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये स्प्रे किया है तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ना पकड़ पाए, अनटेनलेस भाई वो एकदम प्योरिस्ट हैं और वो परफ्यूम के नोट्स को बहुत समझते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो रिव्यू बना के शायद मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा जिसके बारे में बात नहीं होती। ओवरऑल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा लगता है। और कहूँ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट डिपेंड करता है। देखिए ये क्योंकि अगेन एक क्लासिक है, जानी मानी स्मेल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉम्प्लीमेंट मिले, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा ब्लेंड है, ये कम अक्रॉस आप होंगे एक क्या कहूँ जेंटलमैन, एक बहुत ही अच्छे मतलब काम हेडेड इंसान की तरह। ऑफिस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, ऑफिस के लिए तो मैं कहूँ डेली यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए ग्रोसरी करने जाएँ, हल्का नाइट के लिए नहीं, क्लबिंग के लिए नहीं क्योंकि अक्वाटिक एक थोड़ा फ्रेश स्मेल है, लेकिन इवनिंग के लिए भी चल जाएगा, यूज़ कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है। शुरुआत से लेके अंत तक इसका ब्लेंड अच्छा रहेगा, ये आपको अनॉय नहीं करेगा। जैसे नॉर्मली अरमाफ के जो क्लोन्स होते हैं वो कैसे ओपनिंग में हार्श होते हैं, ये हार्श नहीं है, ये थोड़ा हो सकता है हल्का सा सिंथेटिक स्मेल करे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब नोट्स को समझते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर पिन पॉइंट हमें निट पिकी हम बने तब। लेकिन बहुत अच्छा बॉटल प्रेजेंटेशन वाइज भी, एक अच्छा दाम भी है, एक डिज़ाइनर की क्वालिटी को पाने की कोशिश है
मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना है या फिर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है, तो मुझे लगता है ट्राई करना बनता है। और सच में, अगर आप एक कलेक्शन, अपने कलेक्शन में एक ऐसा परफ्यूम डालना चाहते हैं जो कि बहुत ही वर्सेटाइल परफ्यूम है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, इवन सिग्नेचर स्मेल के लिए बहुत अच्छा है, लेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी छोटा डीकैन खरीद लीजिए ओरिजिनल का, और उसके अच्छे क्लोन से उसको आप लेयर कर सकते हैं। एक स्प्रे उसका करिए, 3 से 4 स्प्रे इसका कर लीजिए, आपको दुख नहीं होगा कि आप महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम को जल्दी यूज़ कर रहे हैं। आपको महसूस होगा आप ओवरऑल एक ओरिजिनल परफ्यूम को लगा रहे हैं, अच्छे परफ्यूम को लगा रहे हैं। तो अब चलिए बात करते हैं जल्दी से, क्या ये परफ्यूम है और ये क्या नहीं है। ये परफ्यूम काफ़ी वर्सेटाइल है, ये परफ्यूम यूनिक नहीं है, इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये परफ्यूम क्लबिंग के लिए नहीं है, ये परफ्यूम ऑफिस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये परफ्यूम डेट के लिए नहीं है, ये परफ्यूम ब्लाइंड बाय और गिफ्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये परफ्यूम आपका सिग्नेचर स्मेल बन सकता है, ये परफ्यूम गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये परफ्यूम अफोर्डेबल है। तो दोस्तों, मुझे ये काफ़ी पसंद है परफ्यूम, इसने मैं कहूँ कि मुझे सरप्राइज़ भी किया, क्योंकि जब पहली बार इसको मैंने ख़रीदा था तो मुझे लगा था शायद ये ब्लू परफ्यूम बनना चाह रहा है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी अच्छा क्लोन है अक्वा डी जियो का। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर ख़रीद सकते हैं इसे, मुझे पर्सनली लगता है कि ये अंडररेटेड और हिडन जेम टाइप परफ्यूम है। मुझे आप बताइए, अगर कभी आपने इसको ट्राई किया है तो बताइए कमेंट में आपको कैसा लगता है, और कैसी लिस्ट आप देखना चाहते हैं, कौन से रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। आपके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश करता हूँ सभी कमेंट पे रिप्लाई करूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी लिंक्स डाल दूँगा, कहाँ कहाँ ये बिक रहा है, नज़र रखें इस पर। कभी कभी ये बहुत अच्छे रेट पे, डिस्काउंट पे भी मिलता है, वैसे 2500 भी मुझे पर्सनली लगता है कि एक अच्छा रेट है अगर आप किसी अच्छे ब्लेंड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वैसे आप मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।